गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज दैट इज 2.5। देखिए पहले फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लेते हैं। अब तक फर्स्ट हमने पढ़ा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर। नेक्स्ट था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। एक था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर। जो हमने नया पढ़ा था वो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मीन्स तीन टर्म का अगर हमारे पास होल स्क्वायर आए, दिस विल बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज दीज। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है इसके अंदर, इनको हमें क्या बनाने हैं, इनके फैक्टर्स फॉर्म करने हैं। क्लियर हो गया। अब आप ये देखिए इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म्स हैं। ठीक, अब तक अपने फॉर्मूले में सिक्स टर्म्स कौन से वाले में आ रही है, इसी वाले में आ रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो जो RHS है यहाँ पे कितने टर्म्स है, सिक्स टर्म है, तो इसको मुझे कैसे ना कैसे कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्म में बनाना है अपने RHS वाली टर्म। ठीक, जहाँ पे तीन टर्म्स का तो क्या आ रहा है, होल स्क्वायर। तो पहले हम ये करते हैं अपने तीन टर्म्स का होल स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म 4x² है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है 9y², 9y² को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z², 16z² को 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसी फॉर्म का बनाना है। ठीक, आप ध्यान दोगे तो हमारे जो आइडेंटिटी है और जो क्वेश्चन है उसमें x की जगह पे कितना आ रहा है, 2x, y की जगह पे कितना आ रहा है, 3y, और z की जगह पे कितना आ रहा है, 4z। क्लियर। तो यहाँ तक तीन टर्म्स का होल स्क्वायर तो बन गया, साथ में क्या लिख देते हैं, प्लस में 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना हो गया 2x, वाई की जगह पे कितना हो गया 3y। सिर्फ पहले इसको आप लिखते चलो। ठीक, फिर प्लस में 2yz, तो 2 इंटू वाई की जगह पे कितना आ रहा है 3y, जेड की जगह पे कितना आ रहा है 4z। क्लियर। फिर क्या आता है, प्लस 2zx, 2 इंटू जेड की जगह पे कितना आ रहा है 4z, और एक्स की जगह पे कितना आ रहा है 2x। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब आप पहले हमने इसको इस तरह एक्सपेंड कर लिया। ठीक, अब अपनी ऊपर वाली टर्म चेक करो कि क्या ये बन भी रहा है या नहीं बन रहा। पहले हमने लिख लिया, अब वेरीफाई करते हैं। 2x का होल स्क्वायर 4x² 3y का होल स्क्वायर 9y² 4z का होल स्क्वायर 16z² सही है यहाँ तक। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12xy यही आ रहा है सेम। ठीक, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24yz यही आ रहा है सही है यहाँ तक। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, दैट इज 16xz सही एक्सपेंड हो गया। ठीक, लेकिन अब हम थोड़ा और ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं माइनस, और हमारे यहाँ पे साइन आ रहे हैं सारे प्लस। ठीक, तो आप ध्यान दो माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, एक्स वाली टर्म की वजह से, वाई वाली या जेड वाली। देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी जेड है यहाँ पर भी जेड है, इसका मतलब माइनस साइन कौन लेके आ रहा है, जेड वाली टर्म माइनस साइन लेके आ रही है। तो जहाँ पे भी जेड वाली टर्म है वहाँ लगा दो माइनस, माइनस 4z, ये भी कितना हो गया माइनस 4z, ये भी कितना हो गया माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से वेरीफाई करते हैं, 2x का होल स्क्वायर 4x², 3y का होल स्क्वायर 9y² माइनस 4z का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, दिस विल बी 16z². क्लियर। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12xy सही बन गया यहाँ तक। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24yz यही आ रहा है माइनस 24yz। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 16, दैट इज माइनस 16zx यही आ रहा है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पे अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं,
x plus y plus z का whole square. बन गई ये वाली टर्म. तो x की जगह पे कितना है 2x plus 3y minus 4z का whole square. फैक्टराइज करना है तो इसको दो बार लिख दो, 2x plus 3y minus 4z, 2x plus 3y minus 4z. This will be your answer. हमने आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज करी है, x plus y plus z का होल स्क्वायर, that is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. क्लियर? देखो एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर होएगा. ये है हमारे पास, ठीक. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है. मतलब आइडेंटिटी हमें ये वाली अप्लाई करनी है. इसका आरएचएस ध्यान से देखेंगे तो तीन टर्म्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक. तो होल स्क्वायर वाली टर्म यहीं पे दिख रही है, इनको होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक. सेकंड क्वेश्चन एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना. देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है. इसके हमें फैक्टर फॉर्म करने हैं. पहले तो ये समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्म 6 है, इसका मतलब आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई होगी, ठीक. तो अब इसको अप्लाई करने के लिए तीन टर्म्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब देखो 2 किसका होल स्क्वायर होता है, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 2, ठीक. तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2x का होल स्क्वायर लिख दे, ठीक, प्लस y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर, क्लियर. 8z स्क्वायर, 8 किसका होल स्क्वायर होता है, चेक करो, 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 4 2 कितना हो गया हमारे पास 8, क्लियर. तो 8z स्क्वायर कितना हो गया, 2√2z का होल स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हुआ, तीनों टर्म्स को हमने पहले होल स्क्वायर की टर्म में लिखा, ठीक. अब हमने फॉर्मूले में देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इतना तो हमने लिख दिया. आगे हमें लिखना है 2xy 2yz 2zx की फॉर्म में लिखना है, ठीक. कंपेयर करें तो x की जगह पे कितना आ रहा है, √2x, y की जगह पे y है, और z की जगह पे कितना आ रहा है, 2√2z, क्लियर. तो x square plus y square plus z square, यहाँ तक तो हुआ. आगे क्या लिखेंगे, 2 into xy, x की जगह पे कितना है √2x, y की जगह पे y, क्लियर. प्लस में 2yz, y की जगह पे y, z की जगह पे 2√2z plus 2zx, 2 into z की जगह पे 2√2z, x की जगह पे √2x, इतना क्लियर, ठीक. अब वापस से आते हैं अपने साइन के ऊपर. अपने क्वेश्चन में देखो माइनस साइन इन दो जगह है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह पे कौन सा वेरिएबल कॉमन है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और यहीं पे दोनों माइनस साइन आ रहे हैं. इसका मतलब माइनस साइन कौन लेके आ रहा है, x. तो जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस साइन. ये हो गया माइनस का √2x, माइनस √2x और माइनस √2x, ठीक है. इतना एक्सपेंड करने के बाद चेक करो ऊपर वाली टर्म बन रही है या नहीं बन रही. माइनस √2x का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर x स्क्वायर बन रहा है. मतलब माइनस √2x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, क्लियर. y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2√2z का स्क्वायर 8z स्क्वायर, क्लियर. अब देखो 2 इंटू माइनस √2 दैट इज माइनस 2√2xy, यही है माइनस 2√2xy को ये लिख सकते हैं एक्सपेंड करके. 2 इंटू 2√2 दैट इज 4√2yz, यही आ रहा है 4√2yz. आगे आ जाओ फिर 2 इंटू 2√2 इंटू माइनस √2, टू इंटू 2√2 इंटू माइनस √2, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ माइनस साइन है तो कितना आना चाहिए, माइनस 8, माइनस 8x, यही आ रहा है, करते हैं इस पर एक्सपेंड बस. तो ये जो है वो किसके इक्वल हो गया, x की जगह पे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, क्लियर. होल स्क्वायर है तो इसको दो टर्म में लिख लेते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, दिस विल बी योर आंसर. क्लियर हुआ कैसे करेंगे इसको. नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो आइडेंटिटी और ऐड हो चुकी है, दैट इज फर्स्ट है x plus y whole cube. अब तक हमने स्क्वायर की बात करी थी, अब आ गया x plus y whole cube.
दिस विल बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें इनके बिना आप 2.5 सॉल्व नहीं कर पाओगे. क्लियर? तो x प्लस वाई का होल क्यूब कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. क्लियर? सेकेंड है x माइनस वाई का होल क्यूब. दिस विल बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. क्लियर? ये दो आइडेंटिटी और ऐड हो चुकी है. अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब. क्या दिख रहा है, दो टर्म आ रही हैं और दोनों टर्म का क्या हो रहा है, क्यूब. ठीक, तो अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं कौन सा अप्लाई हो सकता है, यही है. दो टर्म है, बीच में प्लस साइन, इसका होल क्यूब है. ठीक, तो आइडेंटिटी इसमें हम कौन से यूज करेंगे, यूजिंग x प्लस वाई का होल क्यूब. इसके इक्वल x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. बिल्कुल सिंपल, आइडेंटिटी अगर याद हो गई फिर तो कुछ भी नहीं रह गया. एंड क्लियर हुआ? ठीक, अब कंपेयर कर लो, x की जगह पे कितना आ रहा है हमारे पास, 2x प्लस साइन प्लस साइन. y की जगह पे कितना आ रहा है, 1. इसका मतलब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ कितना पुट करते चलो, 2x, और जहाँ y आ रहा है वहाँ कितना पुट करते चलो, 1. तो कितना हो गया, देखो 2x प्लस 1 का होल क्यूब. तो ये अप्लाई होएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, दैट इज, और ये ध्यान रखना है 2x का होल क्यूब होगा, प्लस y की जगह पे कितना है, 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इंटू वाई. क्लियर? प्लस में 3x, x की जगह पे 2x इंटू 1 स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो 2x होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, एक्स क्यूब एज इट इज, 1 का क्यूब 1. क्लियर? 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 और x स्क्वायर. क्लियर? प्लस में 3 इंटू 2 6 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, दिस विल बी 6x. क्लियर हो गया? बस अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, पहले हाईएस्ट टर्म 8x क्यूब, फिर उससे लोएस्ट 12x स्क्वायर, फिर 6x प्लस 1, दिस विल बी योर आंसर. ये हो गया हमारा x प्राइम. आया समझ में? एक और देखते हैं, सेकेंड पार्ट है 2a माइनस 3b होल क्यूब. दो टर्म है, बीच में माइनस साइन है, उनका होल क्यूब है. इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, दो टर्म बीच में माइनस साइन उनका होल क्यूब. इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होएगी वो क्या यूज होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब. ठीक, तो कितना बनेगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर. क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या था, 2a माइनस 3b का होल क्यूब. ठीक, अब चेक करो x की जगह पे कितना आ रहा है, 2a माइनस माइनस है. ठीक, और y की जगह पे कितना आ रहा है, 3b. मतलब बिल्कुल सिंपल है, अपनी आइडेंटिटी में x की जगह पे कितना रखते चलो, 2a, और y की जगह पे कितना रखते चलो, 3b. तो कितना हो जाएगा ये, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b, 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर. क्लियर? अब देखो 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8a क्यूब. क्लियर? माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया, 27b क्यूब. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ ये कितना बनेगा, माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर इंटू 3b. यहाँ तक समझ में आया? प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b होल स्क्वायर, मतलब 9b स्क्वायर. यहाँ तक सही हुआ? और सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब. अब इसको चेक करो, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, दिस विल बी 36a स्क्वायर b प्लस साइन, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 54ab स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, दैट इज द एक्सपेंशन. ठीक है, एक्सपेंशन मतलब बड़ा करना, फैक्टराइज मतलब छोटा करना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे. फोर्थ पार्ट देखिए कितना है, x माइनस 2/3 y होल क्यूब. इतना समझ में आ रहा है, दो टर्म है, बीच में माइनस साइन है और फिर इनका क्यूब है. ठीक, तो आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज होएगी, x माइनस y का होल क्यूब, दैट इज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. क्लियर? अब देखो किसको एक्सपेंड करना है हमें, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, इसी को एक्सपेंड करना है. ठीक, अब ध्यान दोगे तो x की जगह पे x ही है,
y की जगह पे कितना आ रहा है 2 बाय 3 y, y की जगह पे कितना आ रहा है 2 बाय 3 y, 2 बाय 3 y मतलब क्या होता है 2 y अपॉन 3, इसका मतलब होता है y के अपॉन में 1 है, तो 2 से कौन मल्टीप्लाई होएगा y, दैट इज 2 y, और 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा 1, दैट इज 3, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो बस, अब इसको फॉर्मूला इनपुट करते चलो, जहां x है वहां तो x ही रहेगा, सेम है, लेकिन जहां पे y है वहां कितना आएगा 2 बाय 3 y, तो ये कितना हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस, और ब्रैकेट जरूर अप्लाई करोगे, 2 बाय 3 y का होल क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर 2 बाय 3 y प्लस 3 x 2 बाय 3 y होल स्क्वायर, क्लियर यहां तक? अब देखो ये हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस 2 बाय 3 y का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 y क्यूब, क्लियर, माइनस 3 x स्क्वायर इनटू 2 बाय 3 y, यहाँ तक क्लियर हुआ, प्लस में 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 2 बाय 3 y का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उन सब का स्क्वायर होएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, क्लियर, तो अब ये हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस 8 बाय 27 y क्यूब, अब देखिए सिंप्लीफाई कर ली, 3 कैंसिल, कितना रह गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर, यहाँ तक 3 से ये 9 कैंसिल, 3 रह गया, कितना हो गया प्लस 4 बाय 3 एक्स वाई स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, क्लियर हो गए? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इवेल्युएट दीज वैल्यूज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा है हमने, अब देखो उसमें इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट है क्या आ रहा है 99 का क्यूब करना है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है आप सिंपली क्यूब नहीं करेंगे, अगर कोई सोचे कि 99 का क्यूब मतलब क्या हो गया 99 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला काम हो गया, हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी, क्लियर, तो आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसका मतलब हमें इसको, आपको बताया था हमेशा 100, 10 या 1000 की टर्म में लिखना, ठीक, तो 99 को आप इन तीनों में से क्या लिख सकते हो, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक, इस 99 को मैंने लिख दिया 100 माइनस 1 और होल क्यूब एज इट इज, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, अब ध्यान दो, दो टर्म आ रही है बीच में माइनस साइन और फिर उसका क्यूब, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यूजिंग x माइनस y का होल क्यूब, कितना बनेगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, ये बनेगी आइडेंटिटी, ठीक, अब चेक करो x की जगह पे कितना आ रहा है 100 और y की जगह पे कितना आ रहा है 1, क्लियर हो रहा है ये, इसका मतलब 100 माइनस 1 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, समझ में आया यहाँ तक कैसे एक्सपेंड करा, ठीक, अब इसको आगे सॉल्व आप खुद करोगे, 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 जीरोस लगा दीजिए माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट विल बी 10,000 प्लस में 300, क्लियर, अब इसको आप खुद सिंप्लीफाई करोगे, आया समझ में, करना वही है बस अपना ये देखना है आइडेंटिटी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, और कोशिश करना कि 100, 10 या 1000 ही लेके आओ, ये नहीं कि 90 प्लस 9 लेके आ रहे हैं, ऐसा हम क्यों नहीं करते, क्योंकि 90 सपोज आप लिखते हो 99 के क्यूब को हम लिख रहे हैं 90 प्लस 9 का होल क्यूब, ठीक, तो यहाँ पे आपको 90 का क्यूब करना पड़ेगा 9 का क्यूब करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, लेकिन 100 का क्यूब करने में कितने टाइम लगा हमें, हमें पता ही है 100 क्यूब क्या होता है, इसलिए हमेशा इसको 100, 10 या 1000 की टर्म में लिखते हैं, ठीक, ऐसे देखिए सेकंड पार्ट, इसको आगे सिंप्लीफाई खुद करिएगा, ठीक है, सेकंड हमारे पास दे रखा है 102 का क्यूब, ठीक, अब 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या आया दो टर्म बीच में प्लस साइन और फिर उसका क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं अपनी x प्लस y का होल क्यूब किसके इक्वल x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, चेक करो कर सकते हैं इसको अप्लाई, बस जहाँ पे x आ रहा है x की जगह पे कितना पुट करना है हमें 100 और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ कितना पुट करते चलेंगे, क्लियर हो गया, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू
हंड्रेड स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू हंड्रेड इंटू टू स्क्वायर, इसको आगे आप खुद सिंप्लीफाई करोगे, समझ में आया। ऐसे देखिए 998 होल क्यूब, ठीक। अब इसको क्या लिखें सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या समझ में आ रहा है, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, लिख सकते हैं इसको, 1000 माइनस 2 कितना बनेगा 998 आ गया ये। तो अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, x माइनस y का होल क्यूब, x की जगह पे कितना है 1000 और y की जगह पे कितना है यहाँ पे 2, इसको आप आगे को सिंप्लीफाई करिएगा, बस आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि कौन सी अप्लाई करनी है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फैक्टराइज, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है हमारे पास, 8ac प्लस bq प्लस 12a2b प्लस 6ab2, ठीक है। तो आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स अब तक 4 हमारे पास किस में आई है, जो अभी हमने x प्लस वाई का क्यूब पढ़ा है या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब रीड करा है, इनका RHS आप देखेंगे तो 4 टर्म्स हैं, ठीक। अब डिफरेंस क्या है, अगर हमारे पास प्लस वाला है तो सारे साइन क्या आ रहे हैं प्लस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सारे साइन प्लस है, इसका मतलब आइडेंटिटी जो वहाँ पे अप्लाई होगी वो कौन सी यूज होगी, x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3xy2, क्लियर। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो इसके RHS में दो टर्म का तो क्या होना चाहिए, होल क्यूब, ठीक। मेन तो हमें वही टर्म्स चाहिए जिनका होल क्यूब बन जाए, साथ में फिर क्या करेंगे 3x2y प्लस 3xy2, ठीक। मतलब उसके फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दो टर्म का होल क्यूब बनाना है, ठीक, जिनको हम अपना x और y सपोज कर सकते हैं। अब देखो 8a क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख दें, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब को b का होल क्यूब, यहाँ तक सही, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हम यूज कौन सी कर रहे हैं आइडेंटिटी, यूजिंग x प्लस y होल क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3xy2, ठीक। दो टर्म का होल क्यूब तो बन गया, तो इतना समझ में आ गया कि x की जगह पे क्या आ रहा है 2a और y की जगह पे क्या आ रहा है b, ये बात समझ में आई, x क्यूब है वहाँ 2a का होल क्यूब है, तो x की जगह पे 2a और y की जगह पे b, क्लियर। आगे है 3x2y, तो इसको क्या लिखते हैं 3 into x square, x की जगह पे कितना था 2a का होल स्क्वायर, y की जगह पे कितना है b, क्लियर, प्लस 3xy2, x की जगह पे 2a, y की जगह पे b का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो, 2a का होल क्यूब 8a क्यूब बन रहा है, प्लस b का क्यूब b क्यूब आ रहा है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3, 12, a square b बन रहा है, ये सेम इस 12 a square b को हम ये लिख सकते हैं ऐसे ही, 3 into 2, 6ab square आ रहा है, ये सेम, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस फिर अब बन गया हमारे पास ये RHS वाली फॉर्म बन गई, बस x की जगह पे कितना है 2a और y की जगह पे कितना है b, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2a plus b का होल क्यूब लिख सकते हैं, चेक करो x plus y का होल क्यूब, x क्यूब plus y क्यूब plus 3x2y plus 3xy2, ठीक, x की जगह पे 2a और y की जगह पे b, क्लियर। अब इसको फैक्टर करना है तो इसको 3 टाइम्स लिख दो, 2a plus b, 2a plus b, 2a plus b, this will be your answer, क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट में है 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 3ab square, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इसका मतलब इन दोनों में से लगेगी कोई ना कोई आइडेंटिटी, लेकिन साथ में प्लस भी साइन आ रहा है और माइनस भी, इसका मतलब x माइनस y का होल क्यूब यूज करना है हमें, we have to use x minus y whole cube, that is x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square, clear। तो अब देखो क्या है, दो टर्म का होल क्यूब बनाना है, चेक करो 8a cube किसका होल क्यूब है, 2a का होल क्यूब है, माइनस b cube b का क्यूब बनेगा, दो टर्म का होल क्यूब बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग लिखते चलो, बस x की जगह पे 2a, y की जगह पे b, ठीक, लिखते चलना है, कितना है माइनस 3x square y, मतलब माइनस 3 x की जगह पे 2a का होल स्क्वायर, y की जगह पे b, 3x2y, आगे है प्लस 3xy2, मतलब प्लस 3x की जगह पे 2a, y की जगह पे b का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब ये लिखने के बाद एक बार चेक कर लिया करो, जैसे 2a का होल क्यूब 8a क्यूब, b का क्यूब b क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12,
और ये ए स्क्वायर बी बन रहा है, ये 12a² b, ये 6ab² बन रहा है। बस अब इसको हम अपनी कंप्रेस फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2a - b का होल क्यूब लिख पा रहे हैं। इसको फैक्टर बनाने हैं तो इसको तीन बार लिख दो, 2a - b, 2a - b, 2a - b, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 - 125a³ - 135a + 225a² नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इसका मतलब इन दोनों में से आइडेंटिटी अप्लाई होगी, साइन प्लस माइनस दोनों मिलके आ रहे हैं तो x माइनस वाई का होल क्यूब अप्लाई होएगा। देखिए अगर सारे साइन सेम आ रहे हैं तो x प्लस वाई का क्यूब बनेगा, सारे अगर साइन प्लस माइनस मिक्स होके आ रहे हैं तो x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक, तो आइडेंटिटी यहाँ पे हम कौन सी यूज करेंगे, x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज x³ - y³ - 3x² + 3xy² क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब अपना भाई क्या चाहिए हमें यहाँ पे, होल क्यूब चाहिए। चेक करो 27 किसका क्यूब होता है, 3³ - 125 5 का क्यूब, तो 125a³ को हम 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान देंगे तो x की जगह पे कितना आ रहा है 3 और y की जगह पे कितना आ रहा है 5a, इतना क्लियर हुआ, x³ - y³। अब आगे जिस टर्म में लिखना है वैसे लिखते चलो, क्या लिखना है, -3x² y, तो -3x² मतलब 3 का स्क्वायर, y की जगह पे 5a, क्लियर, प्लस में 3xy² 3 x की जगह पे 3 और y की जगह पे कितना हो गया 5a का होल स्क्वायर, मतलब क्लियर हुआ। ठीक, चेक करो ऊपर टर्म बन भी रही है नहीं बन रही, चेक करने से ये होता है आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ हमने यहाँ तक एक्सपेंड बिल्कुल सही करा है। ठीक है, इतना हो गया, बस इसको वेरीफाई कर लेना ये सेम बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 5a का होल क्यूब, क्लियर, x की जगह पे 3 y की जगह पे 5a, फैक्टर बनाने हैं तो इसको हम 3 टाइम लिख देते हैं, 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, फोर्थ पार्ट खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27pq - 1/216 - 9/2p² + 1/4p। ठीक, अब प्लस माइनस साइन दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, इसका मतलब आइडेंटिटी फिर से यही अप्लाई करनी है, x माइनस वाई का होल क्यूब। हर क्वेश्चन के साथ आप आइडेंटिटी अप्लाई लिखा हो उससे याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के लिए क्या करना है, दो टर्म का होल क्यूब फॉर्म करना है। तो 27p³, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3p का होल क्यूब माइनस 1/216, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब, x की जगह पे 3p, y की जगह पे 1/6, x³ - y³, माइनस में 3x² y, x² मतलब 3p का स्क्वायर, y मतलब 1/6, प्लस में 3x, x मतलब 3p, y स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक लिखते हैं हमने इसको एक्सपेंड करके, वेरीफाई कर लेना बिल्कुल सेम यही बनेगा। ठीक, मीन्स जो ये टर्म है ना 1/4p, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 1/4p ही बनेगा। ठीक, कैसे देखो, चेक करो, मान लो यहाँ पे है 3 × 3p × में 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया 3 × 3p × 1/36, क्लियर, ये 3 से 3 कैंसिल, 12, 3 से कैंसिल, 4, कितना रह गया, p/4, इसको सॉल्व करा कितना आ गया 1/4 × p, या फिर p/4, क्लियर हुआ। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो 9/2p² ही आएगा। ठीक, तो मेन हमारा यही होता है, मेन हमें x और y जज करना होता है कि x और y कितना होगा, आगे तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते चलोगे। ठीक है, तक अब बस ये किसका होल क्यूब बन गया, 3p - 1/6 का होल क्यूब। ठीक, अब ये होल क्यूब है तो इसको तीन बार लिख दो, 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर,